चैनल फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स इसे देखिए, हम सोल से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ सीधी ही सिलाई से बनाएंगे, लेकिन बहुत डिजाइनिंग वाला जूता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधी सिलाई से बुन रहे हैं तो डिजाइन नहीं है। हाँ, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। और देखिए मेरा सिलाई नंबर 11 है। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, सोल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने शुरू में 8 फंदे लिए हैं। 8 फंदे लेने के बाद आपने फर्स्ट रो जो बुननी है इसकी, आपने पूरी सीधी बुननी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हम फर्स्ट रो पूरी सीधी बुनेंगे और सिर्फ सीधी ही सिलाई बुनेंगे इसमें, इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट रो सीधी बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन देंगे। हम उल्टा इसलिए बुनते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ एक चैन आ जाती है, फिर वहां से हमें फंदे उठाने होते हैं, इस तरह से। देखिए सेकंड रो भी आपने पूरी सीधी ही बुननी है, इस तरह से। ये देखिए लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन देंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से एक लाइन आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से फंदे बढ़ाने। तो देखिए ये एक फंदा उतार लिया, एक फंदा डाल दिया, अब ये दो हो गए। दो के बाद देखिए तीन, तीन के बाद चार, पाँच, छ, सात, आठ, और ये एक फंदा यहाँ बढ़ा देंगे 9, और लास्ट वाला फंदा 10। तो देखिए हमने थर्ड रो में 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब इन 10 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट वाला फंदा ये 10 हो गए, इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसको उतार लेंगे और एक फंदे को इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो देखिए 2 हो गए, 3, 4, देखिए 4 फंदे हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे 11, और लास्ट वाला फंदा ये हमारे 12 फंदे हो गए। अब हमने फ्रेंड्स देखिए इन 12 फंदों को बस रिपीट करना है। अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अब हमने एक पट्टी से तैयार करनी है 19 सेंटीमीटर की। 12 फंदों पे एक पट्टी तैयार करेंगे। देखिए बस अब हम इन 12 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये आपने देखिए, बस आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए फ्रेंड्स, और आप इंशाल्लाह इस जूते को इजीली बना लेंगे। ये देखिए 12 फंदे हो गए, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मैं ये एक पट्टी बना लेती हूँ 19 सेंटीमीटर की, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। इस तरह से मैंने 12 फंदों पर देखिए एक पट्टी से तैयार कर ली है, और ये देखिए 19 सेंटीमीटर है। आप इसे देखिए नाप लीजिए, और अगर आप फ्रेंड्स अपने पैर का बना रहे हैं छोटा या बड़ा, पैर के हिसाब से भी नाप सकती हैं कि सोल हमने कितना बनाना है। तो देखिए ये 19 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर तक हमें बनाना है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर अब बढ़ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स हमने 8 फंदों से स्टार्ट करा था ना, अब हमें फिर से 8 फंदे बनाने हैं, यानी दोनों तरफ एक फंदा घटाना है। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे, 21 सेंटीमीटर की पट्टी बन गई, 19 सेंटीमीटर की पट्टी बन गई, 21 बनानी है। तो देखिए एक फंदा उतारेंगे और अब इन 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर ये बीच के फंदे हैं, इन्हें सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए जब ये 3 फंदे रहेंगे तो पहले आप इन 2 फंदों को भी इस तरह से एक साथ बुन दीजिए, लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन लीजिए। और फ्रेंड्स जब हमने 12 में से 2 फंदे घटा दिए तो अब हमारे 10 फंदे बचेंगे। तो अब इन 10 फंदों को आपने पहले सीधा सीधा बुनना है।
देखिए कितना इजी है ना। देखिए फ्रेंड्स, 10 फंदे हो गए। अब हमने फिर से 2 फंदे घटाने हैं। यहाँ से देखिए, ये आपने एक उतार लिया। अब इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दीजिए। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 10 फंदे बच गए थे, तो 10 में से मैंने देखिए फिर 2 घटा दिए हैं। तो अब देखिए कितने फंदे हो गए, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए इन 2 फंदों को भी घटा देंगे, तो अब हमारे देखिए ये 8 फंदे बच गए हैं, 7 और लास्ट वाला फंदा 8। इस तरह से फिर अब आपने इन 8 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट वाला फंदा 8। तो देखिए हमने 8 फंदों से स्टार्ट करा था और 8 ही फंदों पर हम आ गए हैं। इस तरह से ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, इस पे जो सिलाई करनी है ना, अब आपने जिस पे बुनाई करनी है, तो आपने पूरे राउंड से इसके फंदे उठाने हैं और आपको इसकी दूसरे वाली सिलाई की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है देखिए, आराम से हम इन फंदों को इस तरह से निकाल देंगे और देखिए ये 8 फंदे हैं ना। यहाँ से देखिए ये 8 फंदे आ गए और देखिए इस तरह से तार वाली सिलाई की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे जरूर बाय कर लीजिए, क्योंकि बहुत से जूते में इसी सिलाई से बनाती हूँ। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक चैन बन गई है ना, हर चैन में से आपने फंदे उठाने इस तरह से। जितने फंदे आप इधर से उठाएंगी उतने ही इधर से उठाएंगी, क्योंकि दोनों तरफ देखिए चैन बनी हुई है। तो देखिए मैं इस तरह से फ्रेंड्स पूरे फंदे उठा लेती हूँ। देखिए 2-4 मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको जहाँ जहाँ बताना है वो मैं आपको बताऊंगी, और बाकी तो फिर हमने सीधी सिलाई से बनाना है। ये देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स, कोई छोटा जूता बनाना चाहते हैं तो अपने पैर का नाप लेके सोल छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए, किसी का पैर बड़ा है तो वो 22-23 भी बना सकती हैं, किसी का छोटा है तो वो 19 और 18 भी बना सकती सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए फंदे उठ रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सारे फंदे उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। इस तरह से देखिए, मैंने देखिए सब तरफ से फंदे उठा लिए हैं, और उठाने के बाद जो हमारे 8 फंदे जो थे यहाँ तक आ गए हैं। तो देखिए अब आपने क्या करना है, 4 फंदे इधर रखने और 4 फंदे इधर रखने हैं आपने। तो देखिए इस तरह से आपने 1, 2, 3 और ये 4, देखिए 4 फंदे यहाँ आ गए हैं। अब आपने इन 4 फंदों को देखिए यहाँ इस पे उतार लेना है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका पार्टीशन भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना देखिए यहाँ एक मार्कर रखेंगे, एक मार्कर रख लेना है। और देखिए अब हम धागा आगे करके यहाँ से देखिए, यहाँ से अब आपने पूरी सिलाई धागे आगे करके अपनी तरफ से उल्टी बुननी है इस तरह। देखिए फ्रेंड, इस तरह से उल्टा बुन रहे ना, तब मैं ये पूरा गोलाई से उल्टा बुनकर और ये मार्कर तक ही आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ से देखिए मैंने पूरी सिलाई देखिए उल्टी बुन ली है, और देखिए इस तरह से देखिए ये पूरी उल्टी बुन ली। देखिए यहाँ पर एक लाइन बन गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आप मार्कर के पास आ जाएंगे ना, अब आपने देखिए व्हाइट कलर से बुनना है। देखिए मार्कर को इस पे ले लीजिए, और अब आपने यहाँ से देखिए व्हाइट कलर मैंने ज्वाइंट कर लिया है यहाँ से। अब आपने पूरी सिलाई इस तरह से देखिए
सीधी सीधी बुननी है, यानी हमने पूरा गोलाई से ही सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। इस तरह देखिए। तो फ्रेंड देखिए, फ्रेंड इस तरह से देखिए, अब आपने फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने देखिए व्हाइट फंदे जो बुने हैं ना सीधे सीधे, देखिए ये हमारा उल्टा है ना अंदर, तो देखिए उल्टी तरफ उल्टा ही आ रहा है। तो आपने देखिए सीधा सीधा पूरी गोलाई से इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये मैं पूरा बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है पूरा, और अब फ्रेंड्स देखिए जहां हमारा निशान था ना, हम बिल्कुल देखिए वहीं तक आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए निशान को इधर लेना है, और अब आपने देखिए इस तरह से देखिए, यहां से अब आपने पूरी सिलाई इस तरह से सीधी सीधी बुननी है। देखिए तो इस तरह से देखिए हमारी एक लाइन बन रही है ना सीधी सिलाई की, तो इस तरह से बस फ्रेंड्स, ये बहुत इजी डिजाइन है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और आप इतना प्यारा खूबसूरत सा जूता तैयार कर सकती हैं। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने व्हाइट कलर से देखिए दो लाइनें दो सिलाइयां बना ली हैं, तो देखिए हमारी एक लाइन बन गई है। अब फ्रेंड्स देखिए जहां तक हमारा मार्कर का निशान था, देखिए हम यहीं तक आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहां से अब आपने थर्ड कलर बुनना है, और देखिए यहां से अब आपने इस तरह से पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है। देखिए ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने पूरी गोलाई से सीधा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स देखिए एक बार हमने देखिए यहाँ बुना था, तो देखिए यहाँ से हमारा ग्रे कलर से एक लाइन बनी थी, व्हाइट से भी एक लाइन बन गई है दो सिलाई में। अब हमने ब्लू कलर से दो लाइनें बनानी, यानी हमने चार सिलाइयाँ बुननी हैं सीधी सीधी। तो मैं इन चार सिलाइयों को बुनकर सीधा सीधा आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने देखिए चार लाइनें रिपीट कर ली हैं, और देखिए इस तरह से कितनी प्यारी सी देखिए लाइन आ गई है। देखिए दो लाइनें नहीं, चार लाइनें इस तरह से बना ली हैं, चार सिलाइयां इस तरह से बना ली और दो लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, अब आपने यहां से फंदे उठाने हैं, यहां से बीच के आठ फंदे बीच में रखने हैं, आधे फंदे इधर और आधे फंदे इधर। तो देखिए अभी मैं पहले एक साइड के फंदे उठा लेती हूँ इस तरह से, फिर आपको बताती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने आधे फंदे इधर उठा लिए हैं, और ये मेरे बीच के फंदे जिस पे मैंने सोल बनाए थे, ये आठ फंदे हैं। और देखिए फ्रेंड्स मैंने आधे फंदे इधर कर लिए हैं। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए मेरे इधर मैंने यहाँ से फंदे उठाए थे, तो मेरे 41 फंदे इधर हैं, 41 फंदे इधर हैं और मेरे 8 फंदे इधर हैं। फ्रेंड्स अगर आप छोटा जूता बनाएंगी तो ये फंदे आपके कुछ कम भी हो सकते हैं और कुछ बढ़ भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे 41 फंदे हैं तो आपके भी 41 हैं, आपके कम बढ़ती हो सकते हैं आपके साइज के हिसाब से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इतना बना लिया है ना, अब आपने देखिए यहाँ से जिस तरह से फ्रेंड्स हम सोल बनाते हैं, इस तरह से हम इसका आगे का हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स अब हमने यहाँ से देखिए ये हमारे आठ फंदे थे ना, तो आपने पहले यहाँ से अपना एक यहाँ से जोड़ रहा है। देखिए ये आठ फंदे हैं ना, तो पहले गिन लीजिए एक दो तीन चार पांच छः सात। अब देखिए सात है ना, और ये इस वाले फंदे के साथ मिला के बुन दीजिए इसको, ये जो है ना इसको उठाइए
और इस पे डाल दीजिए। और यहाँ से आपने देखिए दो फंदों को एक साथ बुन दीजिए। तरह से मैंने देखी 8 फंदे बुन लेते। अब आपने क्या करना है, इस फंदे को जो बुना था ना इसे उतार लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब आपने धागा पीछे करना है और देखिए सीधा बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये 8 थे ना, अब आपने यहाँ से एक फंदा देखिए यहाँ बढ़ाना है इस तरह से। यहाँ से इसको सिलाई पे रखेंगे इस तरह, और देखिए यहाँ से पहले आपने एक फंदा इसको मैंने यहाँ से बढ़ाना है तो मैं इस तरह से बुनूंगी। ये मेरा एक बढ़ गया, फिर देखिए तो अब मेरे देखिए 3 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6। 6 के बाद ये 7, 7 के बाद देखिए इसके अंदर मैंने फंदा बढ़ाना है यहाँ से। आठ, 8 के बाद ये 9, और देखिए इसको इस फंदे के साथ मिला करके बुन देंगे। तो देखिए मैंने 2 फंदे बढ़ा लिए ना इस तरह से, और मैंने साइड से भी बुन लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको उतार लीजिए, धागा पीछे कीजिए, और ये देखिए 1, 2, यानी कि देखिए ये वाला फंदा लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद देखिए इस फंदे को इसके साथ मिला के बुन दीजिए 10। देखिए अब 10 फंदे हो गए ना फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, देखिए 10 फंदे हो गए, अब आपने फिर से पलटना है, और ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे बुना हुआ है, फिर आपने धागा पीछे करना है, और देखिए फ्रेंड्स हमने फिर से एक फंदा बढ़ाना है, यानी कि फ्रेंड्स हमने 12 फंदे करने हैं। तो देखिए इस तरह से 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए 9 हो गए ना। तो फ्रेंड्स देखिए आप चाहे ना फ्रेंड्स देखिए, अगर आप यहाँ से नहीं उठा पा रहे हैं इस वाले धागे को, इस वाले फंदे को उठा करके बनाएंगे तो बुन लेंगे, या तो फिर आप चाहें तो देखिए इस तरह से भी फंदा इसमें यहाँ पर इस तरह से जैसे फंदे बढ़ाते हैं ना ऐसे भी बढ़ा सकती हैं आप। देखिए 10, 11 और इस फंदे को इसके साथ मिलाकर बुन देंगे तो ये हमारे 12 फंदे हो गए इस तरह से। फिर देखिए 1, 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें वाले फंदे को आपने इसके साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। 12 फंदों पे हमने अब यही काम करना है। एक बार इधर से मिला करके बुनेंगे, एक बार जैसे फ्रेंड्स हम सोल बुनते हैं ना पीछे का, दोनों तरफ से एक फंदा मिला मिला करके बुनते हैं, इसी तरह से अब हमने ये आगे का हिस्सा बुनना है। देखिए ये 12 फंदे ना, बस 12 फंदों पे आपने यही काम करना है इस तरह से।
अब आपने बढ़ाने नहीं है, 8 फंदे से 10 फंदे बनाए, 10 फंदे से 12 फंदे बनाए और 12 फंदों को 12वें फंदे को मिला करके इस वाले फंदे के साथ बुनते जाएंगे। देखिए इस तरह, फिर देखिए, फिर ये एक हो गया, यहां से 2 3 4 5, 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11 और 12वें फंदे को इन दोनों के साथ मिला करके बुन देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा, ये देखिए आगे का बनता जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां से जब आप इसको नापेंगी ना फ्रेंड्स, तो देखिए आपने जब इसे नापेंगी तो आपने यहां से देखिए, जब आप इसे नाप लेंगे ना इन दो लाइनों के बाद यहां से, तो फ्रेंड्स हम जब तक बनाएंगे जब तक ये हमारा 10 सेंटीमीटर नहीं बन जाता, जब तक हम इसे रिपीट करते हैं। तो मैं रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने सिर्फ 12 फंदों पे दोनों तरफ से फंदे मिलाकर बुन लिया है। तो देखिए इस तरह से इसकी शेप आ गई है। और फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने पूरा, देखिए यहाँ से आप नापेंगे ना तो देखिए कितना सेंटीमीटर हो रहा है। यहाँ से देखिए, देखिए ये हमारा 10.5 यानी 11 सेंटीमीटर के करीब है। अब आपने क्या करना है, जब आपका इतना बड़ा बन जाएगा तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इसे छोड़ दें, ये जो है ना इसको ऐसे रहने दीजिए, इसे पलट लेंगे ना। इसके बाद देखिए इस फंदे को ऐसे कर लेने के बाद आपने देखिए यहाँ से 2 फंदे एक साथ घटा दीजिए यहाँ से, यानी कि 1 फंदा यहाँ घटाएंगे। इसके बाद आपने देखिए तो 2 3 4 5 6 7 8 और देखिए इन 2 फंदों को इस तरह से घटा देंगे, 9 और लास्ट वाला फंदा इस तरह से 10। देखिए इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पे 2 फंदे घटा दिए, किधर एक इधर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको उतारेंगे और इन 10 फंदों को आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 7 8 9 और एक ये 10 धागा आगे करके इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने 2 सिलाइयां बुनी है तो ये 1 लाइन बन गई है। मुझे इस तरह से इन्हीं 10 फंदों पे 4 लाइनें बनानी है और 8 सिलाइयां बुननी, तो 2 बन गई हैं। 6 सिलाइयां मैं रिपीट कर लेती हूँ इसी तरह से। देखिए तो मैं 6 सिलाइयां बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए 4 लाइनें बना ली हैं। देखिए यहाँ से घटाया था ना, 1 2 3 4 4 लाइनें बना ली, ये 10 फंदे थे। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फ्रेंड्स 1 फंदा इस तरह उतारना है। फिर से फ्रेंड्स आपने ये देखिए 2 फंदों को एक साथ घटाना है इस तरह। फिर बीच के फंदे ऐसे बुनेंगे, 2 3 4 हो गए, 5 6 और इन 2 फंदों को घटा दीजिए यहां से, देखिए 7 और लास्ट वाला फंदा 8 इस तरह से। फिर अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7
और ये 8। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए ये हमने 4 सेंटीमीटर बुनना था, तो देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया है। यहां से पूरा देखिए कितना है, ये देखिए 14 सेंटीमीटर आ गया ना, ये आपका इतना बनाना था। अब आपने क्या करना है, देखिए यहां से अब आपने फ्रेंड्स देखिए इन दो फंदों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। ये एक ये बुन दिया, फिर इसको सिलाई पे डाल दीजिए, फिर देखिए इन दो फंदों को एक साथ बुन दीजिए और सिलाई पे डाल दीजिए, इन दो फंदों को एक साथ बुन दीजिए, सिलाई पे डाल दीजिए। इन सबको अब यहां से फ्रेंड्स हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा आगे का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब हम उसकी बैक साइड बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने इसे बंद कर दिया है, कंप्लीट हो गया है ये देखिए। और यहाँ से देखिए मैंने इस धागे को अंदर कर दिया, बाद में से पक्का कर देंगे। अब आपने देखिए फ्रेंड्स ये आगे का हिस्सा हमारा तैयार है। देखिए इस तरह से पैर डालेंगे ना, तो देखिए इस तरह से आगे से आएगा ये। और अब आपने देखिए यहाँ से आपने अब इसको बुनना है, तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से, अब हम दोबारा अपना ज्वाइंट करेंगे धागा यहाँ से। देखिए तो आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपने 3 फंदे उठाने, तो देखिए एक यहाँ से उठा लेंगे, एक यहाँ से, तो देखिए अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। ये जो हमारी लाइन थी ना, देखिए यहाँ से इस तरह से एक हो गया, और देखिए इसे थोड़ा फिर हम इसे अंदर से खींच लेंगे, ये एक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से ये देखिए दो हो गए, और देखिए देखिए 3 फंदे हो गए। इसे खींच लीजिए और इन 3 फंदों को इस तरह से, और अभी देखिए धागा पीछे करके इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिए हमने 3 फंदे उठा लिए और ये सारा हमने अब इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा सीधा बुनकर यहाँ मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ किस तरह करना है हमने। फ्रेंड्स जिस तरह से देखिए मैंने 3 फंदे इस साइड से उठाए थे ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने 3 फंदे इधर से उठाने। तो देखिए आपने यहां से ये देखिए इस तरह से रखिए, और ये देखिए यहां से 3 फंदे उठाएंगे, एक दो हो गए, एक फंदा और उठाएंगे, ये 3 फंदे हैं। अब इन 3 फंदों को इस पे चढ़ा देंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, अब आपने यहां से फिर से ये देखिए पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है इस तरह से।
तो फ्रेंड इस तरह से मैं इसे पूरा यहाँ तक बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। यहाँ से मैंने देखिए इस रो को भी सीधा सीधा कंप्लीट कर लिया। बस फ्रेंड्स अब हमने देखिए इन्हीं लाइनों को इसी तरह से लाइनें बनानी है। तो देखिए एक दो तीन ये बन गई हैं, तीन और बनानी यानी कि हमने छह लाइनें रखनी है। तो मैं पहले ये बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या। इस तरह से देखिए मैंने लाइनों को बढ़ा लिया है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छह, देखिए छह लाइनें बन गई हैं। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए अब हम इसका थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए आपने क्या करना है, बस फ्रेंड्स आपने देखिए अब व्हाइट कलर का ऊन लगाएंगे और आपने देखिए ये देखिए उल्टा है ना, तो अब आपने व्हाइट से उल्टी और सीधी ये दो तरह की लाइनें बनानी है। बस ये दो सिलाइयां अब आपने रिपीट करते जाना है। तो देखिए अभी मैं उल्टा बुन रही हूँ और नेक्स्ट लाइन में सीधी बुनूंगी, तो हमारा एक सीधा सीधा ऊपर का डिजाइन आएगा इस तरह से। तो देखिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने पूरी सिलाई देखिए उल्टी बुन ली है, उल्टी तरफ देखिए उल्टा चला गया। अब आपने फ्रेंड्स देखिए सेकंड रो जो बुनेंगी तो आपने पूरी सिलाई या फिर सीधी बुननी है, यानी कि फ्रेंड्स अब हमने सिर्फ सीधा और उल्टा बुनते जाना है और एक पट्टी से तैयार करनी है इस तरह से देखिए। और फ्रेंड्स जब अब मैं इसे आपको पहनकर दिखाऊंगी तो आप इसका लुक देखेंगे तो खुद ही हैरान रह जाएंगे कि इतना प्यारा सा डिजाइन इतनी सिर्फ सीधी उल्टी सिलाई से भी बन सकता है। बस आपने पूरी वीडियो को एक बार अच्छे से जरूर देखना है। देखिए इस तरह से मैं इसे रिपीट कर थोड़ी सी पट्टी बढ़ाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए सीधी उल्टी सिलाई से देखिए सादा सादा बुन लिया है। और फ्रेंड्स देखिए ये मैंने 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, देखिए यानी 4.5 सेंटीमीटर है, आपने इतना बुनना है। और बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे बंद करेंगे। तो बंद कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ से उठा के यहाँ डाल दीजिए और देखिए इन दोनों फंदों को फिर सीधा बुन लीजिए। ये देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये तो आपका है ना, अब आप देखिए जो आपकी लाइन बनी थी ना उल्टी सी, अब हमने इसमें से फंदे लेने हैं। आप चाहें तो इसे सीधा सीधा बंद करके फिर यहाँ जोड़ेंगे सिलाई लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, हमने फिनिशिंग के साथ काम करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ से देखिए ये फंदा है ना, आपने इस फंदे को उठाना है, ये फंदा ऐसे ही रखना है, इस फंदे के साथ मिला करके इस तरह से बुनना है। ये देखिए ये आ गया, फिर आपने इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। फिर आपने देखिए अब आपने यहाँ से अपने फंदा उठा लिया था, अब देखिए यहाँ से ये सेकंड है, ये उठा के यहाँ रखिए और इन दोनों फंदों को एक साथ मिला करके पहले इस तरह से सीधा बुनेंगे और फिर देखिए इस फंदे को इसके ऊपर से गिराएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा बंद भी हो रहा है और देखिए हमारा सिल भी रहा है, इसके अंदर हम एक डोरी डालेंगे इसलिए। ये देखिए फिर आपने इस फंदे में से देखिए जो नीचे लाइन बनी हुई है ना, हर लूप में आपको फंदा मिल जाएगा इस तरह से। ये देखिए फिर आप इन दोनों को इस तरह से बुनेंगे, ये आपने रख लिया और देखिए यहाँ से आपने पहले सीधा बुनना है यहाँ इस तरह, और सीधा बुनने के बाद आपने ये फंदा रखना है, रखने के बाद आपने इसको लेना है और इसके ऊपर गिरा देना है। कितना इजी है ना, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए, यहाँ से फंदा उठा के रख लीजिए और इन दो फंदों को पहले आप सीधा बुन लीजिए। देखिए थोड़ा इस तरह से ढीला कर लीजिए, टाइट है तो फिर आप इसे सीधा बुनिए और फिर इसके ऊपर से गिरा लीजिए, यानी कि हमारे एक साथ इसमें फ्रेंड्स दो काम हो रहे हैं, एक तो समझ लीजिए हमारी सिलाई भी हो रही है और ऊपर से एक हम इसको बंद करते जा रहे हैं, इसे फिनिश करते जा रहे हैं। ये देखिए फिर आपने यहाँ से देखिए फंदा उठाना है, ये उठा लिया, इसके साथ रख दीजिए और इन दो फंदों को, यानी ये एक फंदा ये है और एक फंदा ये है, देखिए दो हो गए, यहाँ से इस तरह से सीधा बुनिए और इसके ऊपर से गिरा लीजिए, फिर आपने
यहां से फंदा उठाना है, फिर आपने इन दो फंदों को देखिए, ये एक फंदा और ये दो फंदे, इन दो फंदों को इस तरह से सीधा बुनिए और ये इसके ऊपर से गिराइए। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा देखिए फिनिशिंग से बंद होता जा रहा है, और जब हम डोरी डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए इसके अंदर से इस तरह से डोरी आएगी। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने देखिए डोरी सी बना ली है। ये देखिए सिर्फ मैंने चैन बुनी है फ्रेंड्स, और चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से रखेंगे और इसके अंदर देखिए ये जो हमने फोल्ड करा है ना, बस इसके अंदर से आपने इसको डोरी को डाल लेना है। ये देखिए अब आप इसे खींच लीजिए आराम से। देखिए फ्रेंड्स, यहां से आप इसको बांध सकती हैं और यहाँ एक बड़ा सा मोती लगा लीजिए। इस तरह से हम देखिए इस इधर भी डाल लेंगे और यहाँ दो गिट्ठा लगा देंगे ताकि हमारी मोती बाहर ना आए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस तरह से और देखिए इसको इस तरह से आप इसे बांध भी सकती हैं। और ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए मेरा ये शूज तैयार हो गया। और ये देखिए इसका सोल, और ये देखिए बनने के बाद कितना प्यारा सा खूबसूरत सा लुक आया है देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।